हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द मेंशन टीवी। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द मेंशन टीवी में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल के जो फोटोज हैं उनको एक जगह सुरक्षित रख सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, उसके बाद उनको कोई आपके परमिशन के बिना आपके मोबाइल में नहीं देख सकता है। और दोस्तों अगर आपके मोबाइल से डिलीट भी हो जाते हैं तो उनको आप दोबारा से रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है शाहरुख और इस वीडियो में मैं शार्ट आउट देता हूं पीएम कैप्टन वाईटी को। चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आ गया अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में ओपन कर लेना है गूगल ड्राइव ऐप को। गूगल ड्राइव ऐप को ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ राइट साइड में यहाँ पर प्लस का आइकन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने कई सारे ऑप्शन आएंगे, फोल्डर का, अपलोड का, स्कैन का। अब इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अदरवाइज गूगल शीट या गूगल डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं तो गूगल स्लाइड भी क्रिएट कर सकते हैं, गूगल डॉक्स भी क्रिएट कर सकते हैं और गूगल शीट भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें अपने फ़ोटोज़ गूगल ड्राइव में अपलोड करने हैं, इसलिए या तो आप फोल्डर बनाकर उस फोल्डर में उन फोटोज़ को जितने भी फोटोज़ डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। फोल्डर क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पर उसको जैसे कुछ नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो फोल्डर क्रिएट कर लिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फोल्डर इस यहाँ पर क्रिएट हो चुका है और आप इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में यहाँ पर भी आपको ये प्लस का आइकन दिखाई देगा तो यहाँ पर आपको इस प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है। फिर दूसरी बार भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा फोल्डर का ऑप्शन। इस फोल्डर में आप चाहे तो एक और फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली यहाँ पर इसमें अपलोड करने का तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको अपलोड वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपकी जो गैलरी है मोबाइल में वो ओपन हो जाएगी, यानी कि आपका फाइल मैनेजर में जितनी भी फाइलें हैं, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। तो आपको जो भी फ़ोटोज़ अपने गूगल ड्राइव में डालना है आप उस पर क्लिक कर दीजिए तो इस तरीके से यहाँ पर वो अपलोड होने लगेगा। कुछ देर आप वेट कीजिए, इसके बाद में आप यहाँ पर दूसरा फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं उसी तरीके से जैसे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने इमेज अपलोड की थी वो सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। तो दूसरी इमेज भी आप इसी तरीके से यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके अपलोड वाले बटन पर क्लिक करना है और आप सीधे आप गैलरी में पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आप जो इमेज या वीडियो अपलोड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप एक साथ कई सारी इमेज अपलोड करना चाहते हैं तो उस इमेज पर एक बार आप टिक कर रखें। जब आप उस पर क्लिक करके रखेंगे तो वहाँ पर आप उनको कई सारी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको इमेज सेलेक्ट करनी है और इमेज सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर सेलेक्ट वाला ऑप्शन को क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी फाइलें आपने अपलोड की हैं यहाँ पर अपलोड होती हुई नज़र आएंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जितनी 7 फाइलें मैंने अपलोड की हैं सातों को सातों यहाँ पर अपलोड हो रही हैं। यहाँ पर इनमें कुछ टाइम लग सकता है, जितनी बड़ी फाइल होगी उतना ही इसमें आप टाइम लगता हुआ देखेंगे। इसी तरीके से आप बहुत सारी फाइलें भी यहाँ पर डाल सकते हैं, फ़ोटोज़ डाल सकते हैं। अपलोड होने के बाद अगर ये आपके मोबाइल से डिलीट हो जाती हैं तो दोबारा से आप यहाँ से इन्हें डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रीस्टोर कर सकते हैं, इनको एडिट भी कर सकते हैं। और गूगल ड्राइव पर आपको कम से कम 15 GB दिया जाता है जो कि बहुत डाटा आपका स्टोर कर सकता है, बहुत इमेज और वीडियो आपकी स्टोर हो सकती हैं और ये फ्री है। यह आपकी ईमेल आईडी से जुड़ा हुआ होता है। जिस ईमेल आईडी को आप मोबाइल में चलाते हैं उसी ईमेल आईडी पर आप गूगल ड्राइव ओपन कर लीजिए। तो इस तरीके से आप अपनी जो भी फ़ोटोज़ हैं गूगल ड्राइव में अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर वीडियो या कोई डॉक्यूमेंट्स आप गूगल ड्राइव में अपलोड करके रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं इसी तरीके से। अगर फोल्डर क्रिएट नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्टली भी आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। फोल्डर से फ़ायदा यह रहता है कि हमें जल्दी से फोल्डर फाइंड करने में ढूंढने में आसानी हो जाती है। तब कभी भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम फोल्डर का नाम सर्च करके उसको डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी सारे मोबाइल की फ़ोटोज़ को अपने गूगल ड्राइव में सेव करके रख सकते हैं, फिर उनको आप अपने मोबाइल से डिलीट भी कर सकते हैं क्योंकि उनसे आपकी जो मेमोरी है वो भर जाती है।
इस तरीके से आप अपने मोबाइल को क्लीन रख सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाते रहते हैं।